नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर बी एल कुमार। आज अपन देखते हैं भारतीय कृषि का इतिहास। भारतीय कृषि के इतिहास में कौन कौन सी घटनाएं कब कब हुई है उसको अपन एक बार ब्रीफ से शुरू से अपन देखते हैं क्या क्या इतिहास रहा अपना। सर्वप्रथम अपन बात करेंगे तो पहले जो इवेंट्स हुई वो 1788 में 1788 में फर्स्ट कॉटन इम्प्रूवमेंट इन बॉम्बे प्रोविनेंस एक कंपनी थी उसने 1788 में कॉटन क्रॉप इम्प्रूवमेंट का एक सेंटर बनाया था। फिर 1827 में 1827 के अंदर फर्स्ट एग्रीकल्चर सोसाइटी बनी थी, पहली एक एग्रीकल्चर की सोसाइटी बनी थी जो कलकत्ता में बनी थी। फिर 1864 के अंदर फर्स्ट मॉडल एग्रीकल्चर फार्म एट सेडापेट तमिलनाडु में, पहला एक मॉडल मींस जिसको आधुनिक फार्म के नाम से बोल सकते हो आप, या अच्छा जिसमें हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल थी वो सेंटर बना था अपना मींस तमिलनाडु में। फिर 1871 में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर क्रिएटेड ड्यू टू फेमाइन अकाल पड़ने से। फिर 1878 में हायर एजुकेशन इन एग्रीकल्चर एट कोयम्बटूर, कोयम्बटूर के अंदर उच्च कृषि शिक्षा के अंदर उच्च कृषि संस्थान उच्च कृषि शिक्षा का सेंटर बना था। फिर 1880 में फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ फेमाइन कमीशन आया था 1876 से 1877 के बीच में जो मीन्स फेमाइन आया था उसकी जो फर्स्ट रिपोर्ट थी वो 1880 में प्रस्तुत की गई थी। फिर इम्पीरियल बैक्टेरियोलॉजिकल लेबोरेटरी जिसको अभी IVRI इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं इज्जत नगर उत्तर प्रदेश में, इसकी जो स्थापना पहले इम्पीरियल बैक्टेरियोलॉजिकल लेबोरेटरी के नाम से 1889 में स्थापना हुई थी। 1893 में फेमाइन कमीशन ने अपनी दूसरी रिपोर्ट दी थी 1893 सेकंड रिपोर्ट ऑफ फेमाइन कमीशन। फिर 1901 में थर्ड रिपोर्ट ऑफ फेमाइन कमीशन, 1901 में फिर तीसरी रिपोर्ट दी थी फेमाइन कमीशन ने क्या क्या घटनाएं घटी नहीं घटी या उस पर काबू कैसे पाए, ये काल की तीन बार रिपोर्ट सबमिट हुई थी। फिर 1901 में पहला इरिगेशन आयोग बना, सिंचाई आयोग बना, सिंचाई कमीशन का जो घटित हुआ था 1901 में फर्स्ट इरिगेशन कमीशन। 1902 में इंट्रोडक्शन ऑफ लार्ज स्केल कल्टीवेशन ऑफ ग्राउंडनट, ग्राउंडनट का जो बड़े पैमाने पर डेमोन्स्ट्रेशन देके इसका क्षेत्र में विस्तार हुआ इसकी बुआई में। फिर 1904 में इंट्रोडक्शन ऑफ कंबोडिया कॉटन, कंबोडिया कॉटन का आगाज हुआ 1904 में। 1905 में इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा बिहार के अंदर इसको सर्वप्रथम बनाया गया था जो वर्तमान में भारतीय कृषि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहलाता है। इसकी बिल्डिंग भूकंप से डैमेज होने के बाद इसको दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन इसकी प्राथमिक जो या इसका प्राथमिक सेटअप था वो अपना 1905 में इंडियन इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा बिहार में हुआ था। फिर इंपीरियल शुगर कैन ब्रीडिंग स्टेशन कोयम्बटूर में बना अपना। फिर रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर आया अपना 1926 में। 1929 में इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एट न्यू दिल्ली में बना जिसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई, जिसको अभी वर्तमान में ICR के नाम से जानते हैं, लेकिन देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले ये इंपीरियल के नाम से जाना जाता था, वर्तमान में इंडियन के नाम से जानते हैं। फिर 1936 में IRI शिफ्ट टू दिल्ली, IRI जो पूसा बिहार में थी उसको दिल्ली में शिफ्ट किया था। 1942 में एक अपनी योजना चली थी ग्रो मोर फूड कैंपेन, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना अनाज उगाओगे उतना ही पाओगे सेंटर। फिर 1946 में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की नींव रखी गई थी सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। 1947 में फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स आयोग बना था जो ट्रांसकोर में है। 1956 में प्रोजेक्ट फॉर इंटेंसिफिकेशन ऑफ रीजनल रिसर्च स्टेशन ऑन कॉटन ऑयल सीड्स और मिलेट्स, ये बहुत बड़ी योजनाएं थी जो क्रॉप का इंटेंसिफिकेशन करके अपने देश की उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जाए, पिर कॉम के नाम से जानती है, पिर कॉम के नाम से मीन्स एक बार इसकी फिर से दोबारा पूरा नाम देखेंगे, प्रोजेक्ट फॉर इंटेंसिफिकेशन ऑफ रीजनल रिसर्च ऑन कॉटन ऑयल सीड एंड मिलेट्स। फिर 1957 में अक्रीप का कंसेप्ट आया था AICRP ऑन ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस फर्स्ट अक्रीप ऑन मेज स्टार्टेड बाय डॉक्टर बीपी पाल एट न्यू दिल्ली। 1957 में अक्रीप का कंसेप्ट आया था। 1958 में स्टेटस ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू IRI को 1958 के अंदर डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाई गई।
1959 में कादरी जोधपुर की स्थापना हुई थी, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। 1960 में पहला कृषि विश्वविद्यालय राज्य कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर को स्थापित किया था, जो वर्तमान में गोविंद बल्लभ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है, और ये लैंड ग्रांट कॉलेज ऑफ द यूएसए के आधार पर स्थापना की गई थी। इसकी इस आयोग की वजह से इसका स्थापना होता 1960 में। 1960 में फिर दूसरी योजना आई थी, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, कृषि को घनत्व या इंटेंसिव रूप से किया जाए, ये आया। IRRI की स्थापना हुई थी, फिलीपींस मनीला में स्थित है। फिर 1960 में इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस, इसकी स्थापना भी 1960 में हुई थी। अगला अपन देखते हैं IGFRI, इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना 1902 में हुई थी। 1963 में नेशनल सीड कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय बीज कॉरपोरेशन का निर्माण हुआ। CTCRI, ट्यूबर क्रोपोलाइजर सेंटर आया, वो आपका 1963 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ। फिर 1964 में ICR बिकम द अफेक्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल रिसर्च एंड एजुकेशन इन द कंट्री विद फंक्शनिंग ऑफ एंड फाइनेंसिंग एंड गाइडिंग ऑफ रिसर्च एंड इट्स कोऑर्डिनेटर। ICR ने 1964 में एक अपेक्स सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन बन गया, जिसकी तीन यूनिट बनाई गई है, एग्रीकल्चर रिसर्च, एग्रीकल्चर एजुकेशन और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। 1965 इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम मीन्स कृषि का जो क्षेत्र है उसको घनत्व को बढ़ाया जाए ताकि अपने को अच्छी उत्पादकता मिले, वो इस योजना के अंतर अपने को लिया गया। 1965 से नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम चला है, नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन राष्ट्रीय प्रदर्शनी कार्यक्रम। फिर 1965 में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड राइस इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट हैदराबाद में स्थापना की गई इसकी। फिर 1966 में प्लेसमेंट ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट अंडर द पूर रिव्यू ऑफ ICR, बहुत सारे जो कृषि के संस्थान थे जो ICR के अंडर में आने लगे। 1967 में हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, यानी उच्च उपज वाली किस्मों का उपयोग करें, एक कार्यक्रम चला, इसके तहत ये ग्रीन रेवोल्यूशन का एक पार्ट है ताकि उच्च क्वालिटी या उच्च उपज वाली किस्मों का उपयोग करके अपन ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकें। फिर 1966 में एक और योजना चली, अंतर्वर्ती फसलों की स्कीम या उसकी खेत योजनाएं, जो मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम या मिक्स्ड क्रॉपिंग, इस पर ज़्यादा जोर दिया गया था। फिर 1969 में सेंट्रल सोयल सेलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में, मीन्स लवणीय मिट्टी मृदा अनुसंधान केंद्र है, उसकी स्थापना 1969 में हुई थी। फिर आपका ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम 1970 में शुरू हुआ था, और इसी साल अपने को फर्स्ट कॉटन हाइब्रिड इन इंडिया में लॉन्च हुआ था, भाई जो कि सिटी पटेल ने 1970 में गुजरात में किया था, अमेरिकन नेक्टरलेस और G24 वेराइटी के, G27 वेराइटी के क्रॉस से। ओके, तो 1970 में ड्रॉट DPAP प्रोग्राम भी हुआ था, फर्स्ट कॉटन भी आया था। 1966 का जरूर याद रखिए, 1966 हाई यील्डिंग वेराइटी प्रोग्राम, जिसको उच्च उपज वाले के नाम से जानते हैं। ये सारे जो ईयर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर आपका जो 1970 में बना है वो CPCRI एट कासरोड गेट, प्लांटेशन क्रॉप का जो रिसर्च सेंटर बना था वो 1970 में बना। फिर अक्री फोन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर बना है, वो आपका 1971 में बना है। इक्रीसेट की स्थापना 11 अक्टूबर 1972 को स्थापित होता, इसका 1927 इक्रीसेट इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च सेंटर फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। फिर मिनीकेट ट्रायल प्रोग्राम योजना चालू की गई थी, इसके द्वारा किसानों को उच्च गुणवत्ता युक्त बीज दिया गया था डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, फिर उसके बाद उसी बीज को आप मल्टीप्लाई करके आगे उगाए ताकि अपना अच्छा उत्पादन हो, उत्पादकता हो। फिर 1973 में एक बहुत ही बड़ा ICR ने एक डिसीजन लिया था, डेयर का एक डेयर करके एक विंग डेवलप की थी, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन के नाम से जानते हैं, कृषि अनुसंधान व शिक्षा विभाग जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में आते हैं, और ICR का डायरेक्टर जनरल निदेशक होता है, ICR का डायरेक्टर जनरल निदेशक होता है, वो इसका सेक्रेटरी होता है, चेयर का सचिव, और डेयर और ICR का जो प्रेसिडेंट होता है वो कृषि मंत्री होता है, कृषि मंत्री
भारत सरकार, ठीक है। अभी वर्तमान श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब है। 1974 में फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र पांडिचेरी में हुआ था, कमांड एरिया डेवलपमेंट 1974 में था। 1975 में ARS के जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ऑल इंडिया एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस, जो पॉपुलरली एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस के नाम से जाना जाता है। ये क्या करता है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड है, उसके द्वारा एग्जाम करवाते हैं और एवरी डिसिप्लिन में हर साल साइंटिस्ट, जितने भी भारतीय इंस्टीट्यूट में काम साइंटिस्ट की जो पोस्ट वैकेंसी होती है उसको ARS सर्विस के थ्रू उसको भरा जाता है और इसका एग्जाम करवाता है ASRB, न्यू दिल्ली एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड। 1976 में पहला कमीशन ऑन एग्रीकल्चर नेशनल सीड प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था और ब्रीडर सीड फाइनेंशियल असिस्टेंट वर्ल्ड बैंक से मिला था अपने को, और ब्रीडर सीड का सबसे अच्छा प्रोडक्शन का अपने को एक प्लेटफॉर्म मिल गया था। 1976 में नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर बना था। फिर 1976 में इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट IRDP प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, ग्रामीण कृषि विकास केंद्र, ग्रामीण विकास कार्यक्रम। फिर 1979 में ट्रेनिंग एंड विजिट, 1979 में ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम प्रोग्राम हुआ था, TNVICR के गोल्डन जुबली ईयर। फिर लैब टू लैंड प्रोग्राम हुआ था एंड NARP नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट, ये भी 1979 में रिलीज हुआ था। फिर 1982 के अंदर NABARD, जो श्रवण सिंह मेहता कमेटी के सिफारिश के अनुसार NABARD बैंक की स्थापना की थी, जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नाम से जानता है। फिर टेक्नोलॉजी मिशन TMO ऑन ऑयल सीड, TMO टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड की स्थापना 1986 में की। इसको कई बार पूछते हैं, कृपया थोड़ा याद रखें, दिमाग में रखें इसको। फिर 1984 में 1984 में कृषि प्रसार करके एक अलग से डिप्टी डायरेक्टर जनरल बनाया गया है, जो ICR का एक विंग है। NAIF नेशनल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट 1985 में स्टार्ट किया गया था। फिर 1987 में सेपरेट डिवीजन बनाया गया था हॉर्टिकल्चर फिशरीज को, जो DDG हैंडल करते हैं, डिप्टी डायरेक्टर जनरल ICR की जो विंग है वो इसको हैंडल करते हैं। फिर 1988 में क्या हुआ था, GVK राव कमेटी, उन्होंने रिव्यू इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी ICR की, ICR के रोल फंक्शन इन सब के ऊपर रिपोर्ट की थी। और फिर एग्रीकल्चर डिवीज़न को भी एक सेपरेट डिवीज़न बनाया गया, इसके साथ साथ नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट डिवीज़न बनाया गया था, जो एक सीनियर लेवल पर ICR हेडक्वार्टर में बनाया गया था। इसके साथ साथ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, होम साइंस, पॉलिसी प्रस्पेक्टिव पलिंग, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इश्यूज, जितने भी सारे इश्यूज थे, एक तरीके से ICR को इस जगह, ये GVK राव के बाद इसको अपन टाल स्लिम एंड हेल्दी के, टाल स्लिम एंड हेल्दी, हर चीज़, हर कंसेप्ट को क्लियर किया है। और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो सेपरेट डिपार्टमेंट बनाए गए थे। 1989 में, 1989 में ICR को किंग बोडोनियम अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये अवार्ड ग्रीन रिवोल्यूशन, जिसको हरित क्रांति कहते हैं, उसमें ICR का सबसे बड़ा योगदान होने के कारण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को कृषि किंग बोडोनियम अवार्ड से सम्मानित किया गया था। फिर 1993 में चावल की पहली हाइब्रिड किस्म का रिलीज होना, पहली हाइब्रिड किस्म रिलीज हुई तो आपकी अपने लिए बहुत की बात है। 1995 में IVLP प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, इंस्टीट्यूशन विलेज लिंकेज प्रोग्राम, IVLP। ये इसका मेन काम था, कोई भी तकनीक होती उसको असेसमेंट करना, रिफाइन करना, ट्रांसफर विद फार्मर करना, और उसी को एग्रीकल्चर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में असिस्ट, ये सबका जो पैसा था वो वर्ल्ड बैंक ने दिया था। फिर 1966 में राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की गई थी, और राष्ट्रीय जीन बैंक में कम से कम 1 मिलियन सीड सैंपल को 20 डिग्री से और 25,000 सैंपल को 150 से 196 डिग्री लिक्विड नाइट्रोजन में XE2 में एग्रीकल्चर बायोडायवर्सिटी के लिए कंजर्व कर सके। और ये सारा है इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है, नेशनल जीन बैंक का एस्टेब्लिशमेंट भी किया गया इसी टाइम पर, जो न्यू दिल्ली में। फिर अपना आता है NATP, नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट। NATP को जो वर्ल्ड बैंक से स्टार्ट किया गया था, इसका मेन वर्क होता था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अपना मैनेजमेंट सिस्टम है, उसकी
कार्यशैली को इम्प्रूव करना या बढ़ाना है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाना इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य था। और उसको फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी पे लाना है, टेक्नोलॉजी डिसिमिनेशन करना है। फिर 2004 में आईसीआर को फिर से किंग बर्डोनियन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये अवार्ड फिर से इन्होंने आईसीआर का जो सबसे अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अंडर द पार्टनरशिप इन राइस वीट कंसोर्टियम। और ये और क्वेश्चन पूछते हैं, इससे मैं आपको एक और बता देता हूँ कि भारत में सबसे ज़्यादा क्रॉपिंग सिस्टम या फसल चक्र कौन सा है। तो आपको आँख बंद करके चावल गेहूं पद्धति भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र और उत्पादकता वाला फसल चक्र या फसल पद्धति है। तो भारत को फिर से 2004 में गेहूं और चावल वीट कंसोर्टियम के साथ करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए किंग बर्डोनियन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। फिर 2005 में NAIP लॉन्च हुआ, नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट। 2006 में NAIP प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, ये मैं इसको 2006 है ये। और अभी इसके बाद दोस्तों बने रहे अपने अगले चैनल यूट्यूब वीडियो के लिए। और